साइबर समाचार में आपका स्वागत है। आज की ताजा खबर, पुणे के एक व्यक्ति को एक जालसाज ने खुद को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बताकर ठगा। पुणे के एक व्यक्ति को एक ऑनलाइन जालसाज ने खुद को दिल्ली पुलिस का आयुक्त बताकर 7,14,000 रुपए का चूना लगाया। आरोपी ने एक व्यक्ति को यह कहकर धोखा दिया कि पुलिस को पीड़िता सहित एक महिला द्वारा की गई नग्न वीडियो कॉल की श्रृंखला की जांच करने के लिए धन की आवश्यकता है। FIR के मुताबिक पीड़िता को फरवरी 2022 में एक महिला से न्यूड वीडियो कॉल आई। बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़िता की महिला से चैटिंग के स्क्रीनशॉट और वीडियो ले लिए। जालसाज ने पीड़ित के दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो साझा किया। बाद में पीड़ित को एक अलग नंबर से कॉल आया जिसका नाम श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस प्रमुख बताया गया। उन्होंने पीड़ित को सूचित किया कि कॉल करने वाली महिला को पकड़ने के प्रयास में जांच शुरू कर दी गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि फरवरी 2022 और मई 2023 के बीच जालसाज ने पीड़ित को गूगल पे और अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कई ऑनलाइन लेन देन का माध्यम से विभिन्न बैंक खातों में लगभग 7,14,000 रुपये हस्तांतरित किए। यह महसूस करने के बाद कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, पीड़ित ने पुणे सिटी पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर विजय पुराणिक ने कहा, शिकायत के सत्यापन के बाद मामले की प्राथमिकी भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई।